प्यारे बच्चों, आज वर्कशीट आपकी 5 अक्टूबर की वर्कशीट नंबर 14 चैप्टर हमारा चल रहा है मानवीय करुणा की दिव्या चमक। क्लास आपकी रहेगी 10th और सब्जेक्ट हिंदी है। ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आशीष सर आपके साथ। पूरी वीडियो जरूर देखिए, वीडियो होने वाली है मजेदार, क्योंकि आज हम नया सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अपने डिटेल इधर भर लेंगे, क्लास सब्जेक्ट टीचर जो हिंदी पढ़ाते हैं उनका नाम आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी कि मनुष्यता इंसानियत की करुणा की दिव्य चमक साक्षात मूर्ति कौन? फादर कामिल बुल्के की हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, जो कि अपना घरवार छोड़कर के, अपने मम्मी पापा को छोड़कर के, पढ़ाई छोड़कर के आ गए हैं इंडिया में, जो कि बेल्जियम मूल निवासी हैं, यानी कि विदेशी थे, इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद वो भारत के हो गए और भारत में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था, योगदान रहा है। तो उनकी पर्सनैलिटी, इनके व्यक्तित्व के बारे में और हम आगे जानते हैं कि फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, क्योंकि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी स्टडी छोड़ दी, तो हम उन्हें मान सकते हैं कि सन्यासी थे। लेकिन कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, यानी कि एक सन्यासी होता है जो स्वरूप से होता है, एक सन्यासी होता है जो अंदर से इंटरनल यानी कि मन से होता है। आप बाल गोविंद भगत पाठ को याद कर रहे होंगे, तो बाल गोविंद भगत बताइए, वो संकल्प से यानी कि शरीर से सन्यासी थे या वो मन से सन्यासी थे? तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमारे बाल गोविंद भगत जी हैं और जो हमारे फादर कामिल बुल्के हैं, दोनों में क्या अंतर है। चलिए छोटा सा हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ कि बाल गोविंद भगत वो स्वरूप से सन्यासी नहीं बल्कि कर्म से सन्यासी थे, और जो हमारे फादर कामिल बुल्के हैं वो स्वरूप से सन्यासी दिखने वाले, क्योंकि घरवार छोड़ दिया है, उनका घरवार नहीं है, लेकिन मन से वो लगता है कि सन्यासी नहीं थे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, क्यों कहा आखिर वो मन से सन्यासी नहीं थे लेखक ने? क्योंकि वो रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। अब देखो सन्यासी क्या होता है, वो रिश्ते बनाता नहीं है, क्योंकि रिश्ते तो तोड़ के आए हैं, मम्मी पापा को छोड़ के आए हैं, घरवार छोड़ के आए हैं। तो यहाँ पर देखो, वो मन से सन्यासी नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, यानी कि किसी से वो 10 साल पहले मिले हों तो आज भी उनकी याद है उस परिवार में, उन लोगों के बीच में रहती थी। तो सन्यासियों का ऐसा स्वभाव नहीं होता है, वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते। तो देखो, मिलना जुलना भी सन्यासियों का बिल्कुल काम नहीं है, वो खोज करके समय निकाल करके कहते सर्दी गर्मी बरसात झेलकर मुझसे मिलने आते। तो ये कौन से सन्यासी का अलग तरीके का, कि जाड़ा गर्मी बरसात हो तो सन्यासी क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन ये सांसारिक जीवन की तरह जी रहे हैं, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो मिलने जरूर आते थे। किसे? लेखक को। यह कौन सन्यासी करता है? ऐसा कोई भी नहीं करता, तो इसीलिए लेखक को लगा कि वो सन्यासी मन से नहीं थे। आगे देखो कि बरसात झेलकर मिलते, उनकी चिंता जो थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उनका एक ही मकसद था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, और हर मंच में इसकी तकलीफ बयां करते, जहाँ भी वो कुछ बोलते बातें करते स्टेज में उनको बोलने को मिलता, तो वो यही कहते कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। और आगे बात करते, इससे अकाट्य तर्क भी देते, कोई इनसे कहते भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाएं, तो वो लॉजिक देते, हिंदी में ये चीज है, हिंदी में ऐसी चीज है, हिंदी में लोगों को जोड़ने वाली बात करते हैं। विदेशों में आज भी लोग हिंदी को वैल्यू देते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में देखो, अभी भी आप भी देखो कि हिंदी की वर्कशीट है तो नॉर्मल हो ही जाएगा, बस इधर उधर से लिखना है, आप हिंदी को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। जहाँ पे हिंदी में हमारे 90 अबव मार्क्स आ सकते थे, वहाँ पर हम क्या करते हैं, 50 में ही संतोष हो जाते हैं, कोई बात नहीं पास हो गए। तो हिंदी की वर्कशीट अगर आपको 90 अबव लाने हैं तो आप ज़रूर देखें। तो आगे बात करते हैं, एक बात पर वो हमेशा वो दुखी होते थे, नाराज होते थे, कब? हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते हुए। जब भी हिंदी के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग हिंदी की बुराई करते, तो हमारे फादर कामिल बुल्के जो थे, बुल्के, वो झुंझला जाते थे, यानी कि वो गुस्सा हो जाते थे,
और परिवार के घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। तो सन्यासी से हट करके वो घर परिवार के बारे में पूछा करते हैं। आगे देखो यहाँ पर उनसे हम बात करते हैं कि अगर वो दो शब्द पूछ लेते कैसे कि बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना, यानी कि अगर आप बहुत बड़े दुखी हैं प्रॉब्लम में तो वो बस आपसे थोड़ी सी बात करते आपको लगता जैसे कि दुख दूर हो गया हो और वो जीवन में रोशनी भर देते। उनकी क्वालिटी थी खासियत इसी गहरी तपस्या से जन्मती है, उनमें जो ये टैलेंट था ये इंटरनल उनके अंदर गॉड गिफ्ट था कि वो बात करते ही इतना मीठा बोलते हैं कि बस सारे दुख दूर हो जाते हैं। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, यानी कि मरने के बाद ही इंसान जीना सीखता है। मरने के बाद मतलब अगर इंसान मरते मरते जिए तो उसे लगता है कि जीना कितना अच्छा है, लाइफ कितनी अच्छी है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की याद, अपनी क्योंकि लेखक की पत्नी नहीं है पुत्र नहीं है तो उनको याद आ रही है। और फादर कामिल शब्दों से झलती विरल शांति भी, तो फादर कामिल बोल के जब भी मिलते उनका मिलना बड़ा एक अलग ही अंदाज में होता। तो चलिए पहला सवाल हम करते हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? तो मैंने बात की कि देखो भाई सन्यासी वो होता है जो मन से किसी से नहीं जुड़ता, मन से जुड़ना होता है घर परिवार छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फादर कामिल बुल्के हैं वो परिवार से जुड़ रहे हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं। और जब वो दिल्ली आते हैं तो देखा इतनी दूर से मिलने जुलने आए, ऐसा कौन सन्यासी करता है? तो वो मन से सन्यासी नहीं थे क्योंकि वो रिलेशन बनाते थे। अब जो संबंध जो है कोई सन्यासी नहीं बनाता क्योंकि सन्यासी खुद संबंध तोड़ के आता है। और दूसरा सवाल देखो, फादर जब दिल्ली आते तो क्या करते? तो दिल्ली आते तो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो टायर पंचर हो जाए आंधी आ जाए तूफान आ जाए कोई भी प्रॉब्लम आ जाए रोड जाम हो जाए, लेकिन वो लेखक से मिलने जरूर आते थे, उनसे हालचाल पूछते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो आप ये लिख सकते हैं। अगला देखो कि फादर की क्या चिंता थी? तो फादर को चिंता एक ही चीज़ की थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, किसी भी हद में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, उसे दर्जा देना है। तो यही उनकी चिंता थी, आप यही लिख दीजिए, हिंदी के लिए बड़े परेशान रहते थे। आगे देखो कि फादर किस बात पर झुंझलाते थे? तो ये क्लियर हो चुका है कि अगर हिंदी बोलने वाले लोग यानी कि इंडियन भारतीय लोग अगर हिंदी की बुराई करते, हिंदी बोलने वाले की बुराई करते, हिंदी पढ़ने समझने वालों की बुराई करते तो फादर कामिल बुक्स के झुंझला जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। तो अगला सवाल है कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व आपने देखा कि जो फादर कामिल बुल्के हैं वो इंडियन नहीं थे, भारतीय नहीं थे, फिर भी उन्होंने हिंदी का प्रचार किया, भारत में आकर के उन्होंने बहुत मतलब एक प्यार बांटा, बहुत कुछ उनका योगदान था हिंदी से लेकर हिंदी को लेकर। तो ऐसे आपने उन लोगों के बारे में बताना है जिन्होंने भारत में जन्म नहीं लिया, जैसे कि फादर कामिल बुल्के फादर में जन्म नहीं लिया सॉरी इंडिया में, लेकिन इंडिया के लिए भारतीय जनमानस के लिए उनका योगदान। तो ऐसे लोगों की सूची बनानी है और उनके कार्यों की बात करनी है। तो चलिए मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। तो ये सबसे पहले पिक्चर देख लीजिए, उसके बाद इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे बात करेंगे। तो ये देखो, ये मदर टेरेसा है और ये सिस्टर निवेदिता है, एनी बेसेंट है और ये आपके जिम कॉर्बेट। तो ये चार पिक्चर भी मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे, इनका क्या काम था। तो यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ, आप इसमें से देख करके दो तीन कम से कम, चाहे आप इनको ले लो इनको ले लो किन्हीं भी तीनों की आप बारे में लिखोगे और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करोगे। सबसे पहले देखो सिस्टर निवेदिता, निवेदिता ने प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया जो उन्हें रूमानी राष्ट्रीयता और प्रबल भारतीय का दर्शन शास्त्री मानते हैं। तो कुछ और जानकारी इनके बाद है कि भारत की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थी। अरविंदो जो घोष है सरीके राष्ट्रवादियों से इनका संबंध था। आगे देखो हमारे पास जिम कॉर्बेट है, तो जैसे कि इनके नाम से क्या पार्क है हमारे उत्तराखंड में, तो आयरस के मूल निवासी थे, ये दार्शनिक थे लेखक थे, इन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया, वनारक्षित यानी कि वनों को बचाने के लिए जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान आंदोलन किए। और रामनगर नैनीताल जो कि हमारे गांव के नज़दीक में है रामनगर,
तो वहां पर उत्तराखंड में काला डूंगी के पास इन्होंने अपना घर बनाया था। तो देखो विदेशी थे फिर भी इंडिया में। उधर देखो मदर टेरेसा को आपने बहुत सुना होगा, यूगोस्लाविया की रहने वाली थी। 1929 में भारत आई और उन्होंने यहाँ पर आकर पूरा जीवन अपना गरीबों के लिए और जो कमजोर लोग थे असहाय लोग थे उनके उत्थान में इन्होंने लगा दिया। आगे देखो एनी बेसेंट है तो इनका नाम भी आपने सुना है कि ब्रिटिश की थी लेकिन भारतीय से बहुत प्यार करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी कब, 1917 को। तो इसी तरह से आप कुछ नाम और ले सकते हैं। देखो टॉम ऑल्टर है, मार्क टुली है, रुडियार्ड किम किपलिंग है। इस तरह से ये नाम आप देख सकते हैं। इनमें से आप किनको जानते हैं, किनका नाम पहचानते हैं, आप इनकी पिक्चर को गूगल में सर्च करके ज़रूर देखेंगे। तो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।